नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार उपचुनाव में एनडीए की बड़ी जीत, सभी चार सीटों पर एनडीए का दबदबा। दीपा मांझी ने भी ससुर की बचाई विरासत। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का हो रहा विस्तार, 13 जिलों में 35 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की योजना। साउथ बिहार में 5 लाख उपभोक्ताओं ने इसे अपनाया। पढ़ने में कमजोर बच्चों के लिए नई पहल, कमजोर बच्चों को क्लास में आगे बैठाया जाएगा, छात्र छात्राओं को एक साथ बैठाने की भी बात। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित करने की तैयारी, स्टेडियम में 40,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता, स्टेडियम का स्ट्रक्चर मार्च तक होगा पूरा। बुमराह ने कप्तान बनकर मचाया धमाल, 5 विकेट हॉल लेकर बनाए 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुमराह का एशियाई गेंदबाजों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार उपचुनाव में एनडीए की बड़ी जीत, सभी चार सीटों पर एनडीए का दबदबा। दीपा मांझी ने भी ससुर की बचाई विरासत। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सत्ता पक्ष का दबदबा देखने को मिला है। रामगढ़, तड़ारी, बेलागंज और इमामगंज में एनडीए उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। आरजेडी और जनसुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह ने 1,362 वोट से जीत हासिल की है। तड़ारी विधानसभा से बीजेपी के विशाल प्रशांत 11,012 वोट से विजयी घोषित हुए हैं। गया की इमामगंज से चुनाव जीत कर दीपा मांझी ने भी अपने ससुर जीतन राम मांझी की सियासी विरासत को बचा लिया है। दीपा मांझी 5,945 वोट से जीती, इन्हें कुल 53,435 वोट मिले। गया की बेलागंज विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड की मनोरमा देवी को जीत हासिल हुई है। मनोरमा देवी को 73,334 मत प्राप्त हुए हैं और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी विश्वनाथ कुमार सिंह को 21,391 वोटों से शिकस्त दी है। बिहार में अवैध खनन के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसकी सूचना देने वाले लोगों को बिहार सरकार द्वारा बिहार योद्धा पुरस्कार से सम्मानित करने की योजना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीते दिन बताया कि खनन गतिविधियों को पारदर्शी बनाने के लिए इसे आमजनों से भी जोड़ा गया है। लोगों की सूचनाओं पर नियमित कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए विभाग ने व्हाट्सएप नंबर 9472238821 भी जारी किया है। साथ ही खनिज लदे वाहनों के जाम में फंसने, यांत्रिक गड़बड़ी के कारण वाहन चालकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर 0612221530 जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि खनन क्षेत्र के राजस्व संग्रह को दोगुना करना हमारा लक्ष्य है। हेलीकॉप्टर से बालू घाटों की औचक निगरानी की जाएगी। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अपने 13 जिलों में 35 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू की है, जिसमें अब तक 5 लाख उपभोक्ताओं ने इसे अपनाया है। इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा यह काम किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के फायदे बताने के लिए नुक्कड़ नाटक और ऑडियो रील का उपयोग किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप के जरिए अपनी बिजली खपत और रिचार्ज की जानकारी मिल रही है। स्मार्ट मीटर में एक पुश बटन है जिससे रिचार्ज के बाद बिजली तुरंत बहाल हो जाती है। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कमजोर बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत इन बच्चों को अब क्लास में सबसे आगे बैठाया जाएगा। यह बदलाव उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और झिझक को कम करने के लिए किया गया है। कमजोर बच्चों के लिए पहली कतार आरक्षित की जाएगी ताकि शिक्षक और निरीक्षक उनकी ओर ध्यान दें और उनका मानसिक विकास हो। इसके अलावा बच्चों को गधा, उल्लू जैसे अपमानजनक नामों से पुकारने पर भी रोक लगाई गई है। शिक्षा विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि छात्र छात्राओं को एक साथ बिठाया जाएगा। बिहार सरकार ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम की समीक्षा की गई। यह स्टेडियम 72,843 वर्ग मीटर में बन रहा है, जिसमें 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। स्टेडियम में पिच, लाइटिंग, ड्रेनेज सिस्टम, पवेलियन, पार्किंग, शौचालय जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। स्टेडियम का स्ट्रक्चर मार्च तक पूरा हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पिच तैयार की जा रही है। बीसीसीआई की टीम से संपर्क कर काम की प्रगति सुनिश्चित की जा रही है।
बिहार सरकार ने ड्राइवर के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 शुरू की है, जिसकी स्वीकृति पिछले महीने ही मिली है। इसके तहत पटना में 1,00,000 से अधिक वाहन चालकों के लिए यूनिक आईडी कार्ड बनाने की योजना शुरू की है, जिसमें ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर शामिल होंगे। पंजीकरण के बाद ड्राइवरों को बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 के तहत चालकों को वृद्धा पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। पेंशन राशि 60 से 79 वर्ष के ड्राइवरों के लिए 200 से 400 रुपए हर महीने और 80 वर्ष से ऊपर के लिए 500 रुपए होगी। योजना की समीक्षा बिहार सड़क सुरक्षा परिषद करेगी। रेलवे परीक्षा के मद्देनजर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। 03219 पटना रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन 24 और 27 नवंबर को दोपहर 3 बजे पटना से रवाना होकर रात 11:45 में रांची पहुंचेगी। 03220 रांची पटना परीक्षा स्पेशल 25 और 29 नवंबर को रात 11 बजे रांची से चलकर सुबह 7:45 में पटना पहुंचेगी। इसके अलावा 03690 बरौनी धनबाद परीक्षा स्पेशल 24 और 27 नवंबर को बरौनी से 2 बजे खुलकर रात 10 बजे धनबाद पहुंचेगी और 03696 गढ़वा रोड बिलासपुर परीक्षा स्पेशल भी चलेगी। 24 और 27 नवंबर को गढ़वा रोड से सुबह 6 बजे खुलकर 7:11 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। वहीं 03695 बिलासपुर गढ़वा रोड परीक्षा स्पेशल 25 और 29 नवंबर को बिलासपुर से रात 8 बजे खुलकर अगले दिन सुबह 11:30 गढ़वा रोड पहुंचेगी। उपचुनाव के मतगणना के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक पटना की सड़कों पर निरीक्षण करने निकले, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने अभियंत्रण भवन और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन के निर्माण में 21 महीने का समय लगेगा और इसकी लागत 138.19 करोड़ रुपये है। इस भवन का कुल क्षेत्रफल 27,567 वर्ग मीटर है और निर्माण कार्य 30 सितंबर 2024 से जारी है। भवन के निर्माण का लक्ष्य 29 जून 2026 तक पूरा होने का है। बिहार में भी साइबर अपराध के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2023 और 2024 में साइबर ठगों की शिकायतें की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। 2022 में 10,240 शिकायतें दर्ज की गई थी, जो 2023 में बढ़कर 42,033 तक पहुंच गई है और 2024 में यह संख्या 61,725 तक पहुंच गई है। इन मामलों में करीब 674 करोड़ रुपये की ठगी की गई है, जिसमें से 94,05,00,000 रुपये को बचाया गया है। साइबर अपराधी अब डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में आम लोग और बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हैं। अब बात आती है, क्या है यह डिजिटल अरेस्ट? तो डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठग अननोन नंबर से वीडियो कॉल करते हैं, पुलिस या बड़े अधिकारी की पोशाक में व्यक्ति को धमकाते हैं, पर्सनल जानकारी और बैंक डिटेल्स लेकर ठगी करते हैं। बिहार पुलिस लोगों को जागरूक करने के प्रयास कर रही है और इसकी जानकारी होना ही इससे सबसे बड़ा बचाव है। पिछले 2 सप्ताह से बिहार की हवा प्रदूषण के कारण खराब हो चुकी है और आज राज्य के 20 जिलों में जहरीली हवा का प्रभाव देखा गया है। पूर्णिया और हाजीपुर में प्रदूषण अत्यधिक बढ़ गया है, जहां AQI 300 से ऊपर दर्ज किए गए हैं। पूर्णिया में आज 301 AQI और हाजीपुर में 378 दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजधानी पटना सहित 10 जिले ऑरेंज अलर्ट पर हैं, तो 6 जिले में इसमें सबसे अधिक गया में 196 AQI, मोतिहारी में 190, किशनगंज में 181, अररेज में 139, सिवान में 111 और आरा में 103 AQI प्रदूषण दर्ज किया गया है, जिसके बाद यहाँ येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदूषण के कारण हवा बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हो सकता है। पटना कॉलेज ने अपनी सुविधाओं को हाईटेक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कॉलेज के 10 विभागों के विभागाध्यक्षों को लैपटॉप वितरित किए गए हैं, ताकि वे मैनुअल कार्यों की बजाय ऑनलाइन माध्यम से कार्य कर सकें। कॉलेज की पुरानी वेबसाइट को अधिक गतिशील बनाने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि छात्र छात्राओं को सभी आवश्यक जानकारी आसानी से मिल सके। इसके अलावा कॉलेज की लाइब्रेरी का ऑटोमेशन 20,00,000 की लागत से किया जाएगा और इसके लिए DPR तैयार किया गया है। यह NAC मान्यता के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है।
बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने ऐसे अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है जिनकी सेवा पुस्तिका विभाग में उपलब्ध नहीं है। इसमें राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। विभाग ने इस कदम को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के रूप में लिया है। इससे संबंधित आदेश संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडे ने जारी किया है। 139 अधिकारियों की सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं है। साथ ही दाखिल खारिज, परिमार्जन और आधार सीडिंग के कार्यों में शिथिलता पाए जाने पर 4 सीईओ का वेतन बंद कर दिया। वहीं 11 राजस्व अधिकारियों का वेतन भुगतान बंद कर दिया गया। दाखिल खारिज के मामलों की समीक्षा करते हुए पाया गया कि 50 से अधिक आवेदन 11 राजस्व कर्मचारियों के लॉगिन पर लंबित है। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर बयान दिया। मुख्यमंत्री की महिला संवाद यात्रा पर कहा कि हमें जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन अगर अखिलेश सिंह यह कह रहे हैं कि उनकी अंतिम यात्रा होगी तो उनको बोलने दीजिए, क्या होगा ये तो उनको भी पता है, जनता यह तय करेगी, हमारे मुख्यमंत्री सर्वमान्य नेता हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बिहार में एनडीए सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक ब्लैक पेपर जारी किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार के तहत शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। राजद ने कहा कि उनके शासनकाल में खोले गए विद्यालय एनडीए सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं और शिक्षक के पद खाली पड़े हैं। पार्टी ने एनडीए सरकार को चुनौती दी कि वह शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर श्वेत पत्र जारी करे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर ब्लैक पेपर जारी किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजी का दबदबा कायम किया, साथ ही रिकॉर्ड्स भी बनाए। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट हॉल लेने वाले भारत के 5वें कप्तान बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इसके अलावा वे विदेशी जमीन पर 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। बुमराह गेंदबाजी औसत 22.63 से सेना देशों में शीर्ष पर हैं, जो एशियाई गेंदबाजों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत है। सेना देशों में सर्वाधिक 5 विकेट हॉल लेने वाले 5वें एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। उनके प्रदर्शन ने न केवल टीम को बढ़त दिलाई बल्कि क्रिकेट इतिहास में भी नया मुकाम हासिल किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं राम बाबू दास, गुनार शर्मा, अनवर करीम खान, नरेंद्र कुमार, सुदीप मंडल, अर्जुन राम, वैद्यनाथ ठाकुर और बाबूलाल मरान जी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा और कल्याण योजनाएं प्रभावी रही हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।